रहीम तुसी देख रहे जे पाक बफलो टीवी ते मैं ताडा होस्ट हाफज अजहर जट। अज असी जिला उकाड़ा दे एक फार्म विच तरक्की पसंद फार्म विच खड़े हाँ। साडे एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत उकाड़ा दी समाजी ते कारोबारी शख्सियत हाजी दिलशाह साहब उन्हां दे फार्म ते असी आए हाँ ते इंशाल्लाह ताडा तारफ कराने हाँ ते तुहानू मालदारी दा शो करवाने हाँ। जी आई साहब तुहानू सब तो पहले असी टीवी विच खुश आमदीद कहने हाँ ते तुहानू बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं, तुसी उन्हां नूं सलाम दुआ कर लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी साहब, तुसी ये जिहड़ा फार्मिंग कर रहे जे किदों दा तुहानू शौक आ? वैसे तो सारे जिम्मेदार आ ते माशाल्लाह जद्दी पुश्ती है पे बुजुर्ग भी रखते रहे, तुसी अपने शौक दे बारे च दसो। तकरीबन 20 साल हो गए ने शौक कीतन, ये शौक सारा साडे बुजुर्गों तो शुरू होया होया ने ते हुण भी माशाल्लाह इसे तरह ही चल रहा। जी हाजी साहब तुहानू दस रहे ने, हुण हाजी साहब दा असीं फार्म दा तफसीली तुहानू विजिट कराने आ। जैसा कि सब दोस्त देख रहे ने, एंट्रेंस के नाल ही ट्यूबवैल लग्या दा, पानी का तालाब तो होज बनया दा वा। तो अब माशाल्लाह वेख लो वसी हो रीज रकबे ते डेरा या फार्म तमीर है। तो आ ताज़ा पानी हर वक्त दस्तियाब है, एक तरफों पानी आ रहा दूसरी तो साइड तो जा रहा। तो माहौल चेक कर लो जी, ये फार्म दिखाने का मकसद ये है कि जनाब ताड़े च शौक का इजाफा हो, जानवरों को कैसे बेहतर तो बेहतर माहौल दिता जाता है वो देखा जाए, अवेयरनेस की जाए, मझ के शौक को परवान चढ़ाया जाए। साडा चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि मझ के शौक को प्रमोट किया जाए, दोस्तों को आगाही की जाए, नस्लों के बारे में दसिया जाए, बच्चों की किस तरह नर्सरी तैयार की जाए, कट्टे कट्टियाँ इन्हों की देखभाल। आ देखो माशाल्लाह एक आइडियल सेहत के अमल जानवर ने, ते ऐसे ब्रीडर हजरात ना मिलना, ऐसे फार्मर हजरात ना मिलाना, उन्होंने विजिट कराना ताकि जड़ा ना जी डेयरी सैक्टर में बेहतरी होए, घर घर जड़ियाँ असी मझां रखियां दियां उन्हां च इंप्रूवमेंट होवे, उन्हां च बेहतरी होवे, मझ जड़ा दुध देना मझ का बुनियादी काम आ वह अच्छा ज़्यादा मकदार च होवे, बच्चों की सेहत अच्छी होवे, इहदे च मुलक कौम का फायदा। जी दोस्तों आ शेड देख लो जनाब, पल पई दी नरम मिट्टी, जानवर आराम करते जी इत्थे दोपहर नूं बैठ के। जी दोस्तों मजीद ये देखो, जानवर चेक करो, शौक चेक करो, जानवर की सेहत देखो, मझ की सेहत देखो, अडर दा चेक करो। इस तो अलावा असी हुण मजीद जिहड़े फार्म के ओनर ने हाजी दिलशाह साहब उन्हां नाल गल करने आ। एमसी डेयरी फार्म जी उकाड़ा शहर तो सिर्फ 5 तो 6 किलोमीटर ते आ, ते हाजी साहब उन्होंने माशाल्लाह शुरू तो मालदारी का प्यो दादे तो काम कर रहे ने, ते इंशाल्लाह ताला गलबात भी जारी रहेगी हाजी साहब नाल, ते तुहानू इंशाल्लाह हाजी साहब के जानवर दिखाने शो करवाने आ। ते देखो माशाल्लाह इन्हां दा शौक उन्हां की है, ये मारे कुछ 6 7 महीने गब्बा ने, माशाल्लाह बहुत अच्छी मझ ने। मेरे एक दोस्त ने भाई मेरे चीचा बदनी तो उन्होंने मैंने गिफ्ट भेजी है। जी हाजी साहब माशाल्लाह नज़र आ रहा, तो हाजी साहब नूं ये तो बड़िया उम्मीदा ने जी कि हाई मिलक रिकॉर्ड करेगी। तो कैमरामैन साहब दिखाओ जरा, यदा चेहरा भी दिखाओ। तो हाजी साहब तुसी नाल ये भी दसते जाओ कि किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करते हो, दुध का की हिसाब किताब है, की तुहाडा नज़रिया है। तो कैमरामैन साहब अगली माझा मीनी दिखाओ जी सिंगा वाली, तो हाजी साहब नाले दस दे। हाजी साहब इस मझ बारे भी दसो जी। ये मझ तीसरे सवे मझ है जी, ये तकरीबन दुध है, तकरीबन 14-15 किलो दुध करती है, ये तीसरे सवे की मझ है जी। कैमरामैन साहब अगली मझ दिखाओ जी माशाल्लाह। तो हाजी साहब बच्चों की परवरिश के बारे की तुहाडा नज़रिया, की गलबात है वो बारे च? बच्चों की परवरिश वास्ते असी तो तकरीबन अद्धा दुध पिलाई दा, बच्चों ने पिलाई दा, अद्धा दुध आप चोली दा जी। जी माशाल्लाह जी, ये हाजी साहब ने जिहड़ी गल की है जी, ये तुहानू इंशाल्लाह हुण जदों तुसी बच्चे देखोगे, आ मझां देख रहे जे इन्हां दी होम ब्रीड जे, तो इंशाल्लाह इन्हां दे बच्चे भी दिखावांगे। तो आ एक नायाब चीज़ आ जिहड़ा हाजी साहब का फ्यूचर ब्रीडर आ, वह भी तुहानू दिखाने। चलो कैमरामैन साहब मैनूं दिखाओ आ जिहड़ा फ्यूचर ब्रीडर आ, ये दिखा दो जी। जनाब यदी उम्र जी हजे मूहों खीरा जे दौंदा नहीं होया, जे मूहों खीरा ये तो दौंदा नहीं होया, तो मजीद इन तफसील ना दिखाने, यदि माँ भी दिखाने जी। माही ना हाजी साहब ने यदा रख्या था जी, तो माशाल्लाह
ये जी आ देख लो ये ग्रोथ देख लो ये वेल देख लो यदा वजन देख लो सिरा जे तो जिन्हें लिया जाए तो मजीद असी आ अगला जानवर दिखाओ जी तो मजीद असी हाजी साहब के मामला पूछने हाजी साहब का जी गवाल का काम नहीं हाजी साहब का नज़रिया यह है कि अच्छी ब्रीड तैयार करनी इस मुल्क लिए इस कौम लिए काम करना तो अपना शौक करना हाजी साहब इस मज की पोजिशन दसो जी ये मज तकरीबन कोई चार तो पाँच महीने जो हाजी साहब का हम फ्यूचर ब्रीडर माही तैयार हो रहा वो माँ जे तो कैमरामैन साहब आ मज दिखाओ जी ये मज का माशाला रंग देख लो कद देख लो बेल देख लो चड्डा हवाना वेख लो दो या तीन दिन हो गया मज सूई आ नाल कट्टी यदि खड़ी है जी तो आ माशाला देखो जी एदा अडर देख लो यदा पुट्ठा देख लो तो जनाबे का चेहरा देख लो तो खोल के तोर के दिखा दे हाँ जी ये खोल के दिखा दो जनाब ओनी देर आ दूसरी चलो हाई साहब इस मज के बारे दसो जी ये जी चौथे सूए मझ ने माशाला तकरीबन कोई 18 तो 20 किलो दुध का रिकॉर्ड है हैगा ते हुण आई साहब किन्ने दिन होए सूई नु इनु तकरीबन 33 दिन मां मझ सूई नु जी बिल्कुल ते आज खोल के दिखा रहे ने कैमरामैन साहब जरा क्लोज करके दी हर चीज दिखाओ एदे खुर दिखाओ एदी पूंछल दिखाओ एदा पुट्ठा दिखाओ जेड़ा चेहरा एदी अख माशाला जी एक अनमोल चीज हैगी है तो शौक वालों की गल है जो जानवर प्यार किया जाए तो जानवर भी माशाला रिस्पोंस देंगे है तो कोई भी डेयरी फार्म वो बुनियाद हैगी नर्सरी जेडे कट्टे कट्टियाँ वो इंशाला तुम दिखाने कि उन्होंने देखो तुम आ डेढ़ तो दो महीने के सारे बच्चे ने दिखाने कट्टा यदा किधर गया जी माही ओनू दे लियाओ जी उधर इस मज नूं जिहड़ा जी तुसीं हुणे शो कीता तुहानूं दिखाई गई जी इहदा इह कट्टा जिहा जी हजे मूँह खीरा जे दो साल दा नहीं तकरीबन दो साल दे लगभग इहदी उम्र हजे दोंदा नहीं होया जी ते इहदा वेख लो माशाला सारा इको कलर आ मां बेटा जी आ देख लो जी कट्ठे खड़े आ हुणे माशाला मां जिहड़ा इहदा कद चला गया जे ते मज़ीद तुसीं जिस तरह हाजी साहब कहिंदे कि दुध दा असीं अद्धा जिहड़ा बच्चे नूं पियाने आ ते अद्धा जिहड़ा वा आप चवाई करने आ ते इहदा मूँह बोलता सबूत है कि गली बाती गल कोई नहीं आ तुहाडे सामने जे ये गल च कि हकीकत है तुम आप अंदाजा लाना जे साडा काम आ जी कि जेडे नवे शौकीन बंदे नवे तो मुराद एक शौक हैगा कि जानवर अच्छे देखे जान हर बंदे की पहुँच नहीं हर फार्म ते जा सके तो लिहाजा असी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे बंदे अच्छे ब्रीडर जेड़ा अपना काम कर रहे हैं शौक कर रहे ने उन्होंने दिखाया जाए उन्होंने प्रमोट किया जाए तो साम जबरदस्त जी हूँ हाई साहब को जी नीली का एक झोटा आया सी ब्रीडर बहुत टॉप का जी भूरे रंग का हाई आ देखो जी वो रिजल्ट आए ने माशाला 8 मझां सूईयां जे डेढ़ तो 2 महीने हो गए ने वक्फे चे ते आ जेड़े दो काले आए आ उन्हां दे उत्ते भी आ बूरे दे जेड़े वाल है ने ते माशाला इन्हां दे चेहरे देखो कैमरामैन साहब इन्हां दियां लत्तां पूंछलां चेहरे कल्ले कल्ले कट्टा कट्टी ते दिखाओ ते हाई साहब भी दस्सदे ने इन्हां दे बारे विच बहुत अच्छा झोटा सी ते बहुत अच्छी इहदी हाइट सी झोटे दी रिकॉर्ड या आपदा रिकॉर्ड आपदा झोटा सी ते अपना 8 मझां सूईयां नूं जो रिजल्ट झोटे दे सी कि 5 कट्टियां 3 कट्टे आए ने माशाला जी अजकल जिहड़ा ट्रेंड चलिया जी आ देख लो जी आ पैर जिन्ने चिट्टे ने धोते होए ने ते आ मूँह देख लो कैमरा साहब मैं मूँह दिखाओ जनाब इहदा आ देखो जी बलियां बगियां मुछां ने जी आ मत्था चिट्टा जे ते कट्टी है जे माशाला ते मझां तुसीं देख लईयां जे जिहड़ियां मझां दे बच्चे ने उहनां 'च वी कोई शक शुभा नहीं हैगा ते आ माशाला आ देखो जी हाई साहब इहदी किन्नी उम्र जे तकरीबन इहदी उम्र है कोई 3 महीने दी उम्र ही जी जी ते माशाला इन दुध तकरीबन सी खुला दुध पराई दा जी जी परवरिश अच्छी करी ते माशाला इन्नी सेहत इहनां दी ते हुण ना जी कैमरामैन साहब तुसीं हाजी साहब दा जिहड़ा झोटियां दा सैक्शन ना मैं कहना एक मिनट वह भी दिखा दईए जी क्यों हाजी साहब आ जाओ जी हाई साहब को माशाला जिहड़े जानवर ने ये तुसी देख रहे जे ते हाजी साहब दियां झोटियां दा माशाला ये रिकॉर्ड है इन्हां दी परवरिश दा ज़्यादा झोटियां जिहड़ियां इन्हां दियां खीरियां ही क्रॉस हो रही ते माशाला दो दंद दे अंदर अंदर जिहड़ा जी सू पैंदियां ते आ माशाला हुण तुहानूं दिखा रहे हां आसफ दिखाओ जरा ओह वी झोटी ठाक ये झोटी दी उम्र तकरीबन है कोई 14-15 महीने की छोटियां है जी हाँ जी आप ब्रीडर भी हाई साहब का हूँ दिखाओ जो हाजिर मौके का वो तुम पहले जो दिखाया फ्यूचर ने एक जी आया किसी बोतरम साढ़े उकाड़े दे गुजर
चोरी लियाकत गुजर साहब जी उन्होंने घर का छोटा जहा हाई साहब ने ब्रीडिंग लिया मंगवाया जे तो होंगी रहेगी तो लिहाजा हूँ जोड़ा असं इजाजत चाहवागे तो जे कोई साढ़े कोई गल कोई कमी कसर रह गई है तो तजर्बाकार हजरात उन्होंने असं बिस्मिल्ला करांगे कि साड़ी वह कमी कुताई दूर करन ते बहुत बहुत शुक्रिया सारे भरावान का जिन्होंने खसूसी टाइम दिता तो जी आज साहब की तरफों भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी अस्सलामु अलैकुम जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी अल्लाह हाफ़िज़।